अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप लोगों का 9th क्लास का बायोलॉजी का ये कोई गैस पेपर आपका ओरिजिनल पेपर समझें आप इसको। ये आप लोगों का ओरिजिनल पेपर है, इसमें आपको चंद शॉर्ट क्वेश्चंस और चंद लॉन्ग क्वेश्चंस एक एक चैप्टर में से बताए जाएंगे। आपने सिर्फ वही करने हैं, इनसे बाहर आपका पेपर आ नहीं सकता। और भाई आपको सीधी बात बता दूँ तो ये आप लोगों का ओरिजिनल पेपर ही समझें। आप ख़ुद इस गैस को देखें और ख़ुद बताएँ कि क्या आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे लगे। तो मैं आपसे यकीन से कह सकता हूं कि भाई अगर ये आप कर लेते हैं तो आपके पूरे नंबर आएंगे, एक नंबर भी नहीं आपका कहीं जा सकता। ठीक है, तो भाई अभी ना आपको मैं चैप्टर वाइज बता देता हूं, लेकिन आपको मैं ये चैलेंज करता हूं, आपको इस जैसा गैस पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों का लीक्ड पेपर, जो भी पेपर एमसीक्यूज पेपर जो भी आएगा, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 1 में आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो पहला है, व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी। चाहे आप उर्दू मीडियम है या आप इंग्लिश मीडियम है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आप इंग्लिश के लफ्ज़ और अपनी उर्दू मीडियम की बुक पे ढूंढ सकते हैं खुद। व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी क्या है? अब आपको पता होगा कि उर्दू मीडियम की इम्यूनोलॉजी, वहाँ पर भी इम्यूनोलॉजी होता है और यहाँ भी इम्यूनोलॉजी होता है। ठीक है, आप दोनों की वर्ड सेम होते हैं। और अभी जो है ना, आगे चलते हैं। व्हाट आर पैरासाइट्स, राइट अचीवमेंट ऑफ बो अलिसिना इन बायोलॉजी। बो अलिसिना का बायोलॉजी में किरदार इस तरह से, व्हाट आर पैरासाइट्स, व्हाई इज़ जाबिर बिन हयान फेमस, जाबिर बिन हयान मशहूर क्यों थे। व्हाट इज़ मीन्ड बाई बायो एलिमेंट्स, उसके बाद साइकोलॉजी एंड एनाटॉमी, राइट द फेमस राइटिंग ऑफ अब्दुल मालिक असमाई, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फ़र्क बयान करें। व्हाट इज़ बायोस्फीयर लेवल, बायोस्फीयर लेवल की तारीफ करें। डिफाइन टिशू एंड ऑर्गन, आल्सो गिव एग्जांपल, टिशू और ऑर्गन की तारीफ करें और एक मिसाल दें। व्हाट इज़ स्पेसिस, स्पेस। ठीक है, उसके बाद राइट 4 नेम ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखें, ये आपके पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन एंड हो गए हैं, अब आपको चंद लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। एक्सप्लेन एनी 5 कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी, राइट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ऑन फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है, पहला आपका जो है वो है 5 कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी। 5 कैरियर्स बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी के 5 शोबे के नाम लिखे हैं, 5 शोबे के नाम और उनकी तफसीलात बयान करें। ठीक है, राइट कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री, फार्मिंग और फॉरेस्ट्री का जो है ये आपका लॉन्ग बन रहा है। उसके बाद हाउ बायोलॉजी इज़ रिलेटेड टू अदर साइंस, बायोलॉजी दूसरे साइंस से कैसे मुख्तलिफ है, या उसके मतलब इस तरह डिस्क्राइब एनी फॉन्ट्स। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपका लॉन्ग नहीं आएगा सेकेंड चैप्टर में से। ठीक है, या आ भी सकता है। डिफाइन साइंटिफिक मैथड, राइट डाउन द नेम ऑफ स्टेप्स इंक्लूडेड इन बायोलॉजिकल मैथड, बायोलॉजिकल मेथड के नाम लिखें, साइंटिफिक मेथड की तारीफ करें। व्हाट इज़ द रूल ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का किरदार बयान करें। राइट करैक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की जो है ना उसकी जो पॉइंट्स होते हैं वो आप बयान करें। एक्सप्लेन डिडक्शन, डिफाइन थ्योरी, बस ये आपको हो गया। उसके बाद है मैन हैज़ बीन ए बायोलॉजिस्ट साइंस लॉन्ग, एक्सप्लेन। उसके बाद व्हाट इज़ मीन्ड बाई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे क्या मुराद है। राइट 2 करैक्टर्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, 2 गुड हाइपोथेसिस के जो है ना उनकी खसूसियात बयान करें। व्हाट इज़ मीन्ड बाई डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है। डिफाइन रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो और प्रोपोर्शन में की तारीफ करें। राइट डाउन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ AFA किंग, AFA किंग तो आपने हर हाल में करना है, आप चाहे पाकिस्तान से किसी भी बोर्ड में आप बिलोंग्स रखते हैं तो ये आपने लाजमी करना है क्योंकि ये हर साल आता है। उसके बाद 3 यूनिट्स पे चलते हैं, बायोडाइवर्सिटी वाले। तो इसमें भी आपके चंद शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। डिस्क्राइब्स एम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मकसद। व्हाट इज़ मीन्ड बाई टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है, टैक्सोनॉमी हायरार्की आपको वो उर्दू बुक में मिल जाएगा, वो आप देखेंगे। डिफाइन किंगडम मुनीरा एंड गिव एग्जांपल, किंगडम मुनीरा की तारीफ करें और इसकी मिसाल दें। राइट 3 करैक्टर्स ऑफ किंगडम मुनीरा, किंगडम मुनीरा की 3 खसूसियात बयान करें। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफाइन इट, डिफाइन स्पेसिस। अच्छा, उसके बाद गिव रीज़न, ठीक है,
गिव रीज़न वाई वायरस नॉट इंक्लूडेड फाइव किंगडम, हाउ फंजाई डिफरेंट फ्राम अदर प्लांट्स। ठीक है, इसी तरह से डिस्कस वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग्स, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स वायरस जो हैं इनके मतलब डिस्कस करें इन पर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में फ़र्क बयान करें। डिस्क्राइब टू कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के दो वजूहात लिखें। उसके बाद है डिस्क्राइब्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोनोमियल नोमल कल्चर विद एग्जांपल, मतलब वो कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंस बायोनोमियल नोमल कल्चर की तारीफ और निशानदेही और उसकी जो है ना मिसाल दें। व्हाट इज़ मीन बाय टैक्सोनॉमी, राइट टैक्सोनॉमी, हायरार्की एंड ऑर्डर, ये आपके दो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं और इन्हीं में से ही एक आएगा। आप बेफिक्र हैं, आप चाहे पाकिस्तान के किसी बोर्ड से भी बिलोंग्स हैं। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 कुछ लॉन्ग तो है, आपको पता है कि ये चैप्टर नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से ही अक्सर आपका पेपर बनता है। लॉन्ग्स भी ज़्यादा आते हैं इसमें से, शॉर्ट भी ज़्यादा आते हैं। तो ये सेल का, सेल एंड टिश्यूज़ इसका नाम है। तो स्टेट द सेल थ्योरी, ये पहला आपका क्वेश्चन है, स्टेट द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी की जो स्टेट है वो आप मतलब वो कह रहा है कि बयान करें। व्हाट इज़ मीन्ड बाई हैपोटोनिक एंड हैपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज़ इंडोसाइट, गिव टाइप्स, व्हाट इज़ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। ठीक है, उसके बाद ड्रा द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइट द नेम ऑफ टू पार्ट्स, व्हाट आर स्क्लेरेंजियमा टिश्यू, स्क्लेरेंकेमा टिश्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्लेरेंकेमा टिश्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हैं डिस्क्राइब टू फ्यूचर, डिस्क्राइब टू फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के दो फीचर्स जो है ना बयान करें। राइट टू फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट द फंक्शन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज एक्सोसाइटिसिस, व्हाट इज लाइसोसोम्स, राइट टू फंक्शन ऑफ कॉन्ड्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, डिफाइन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोट्स एंड यूकेरियोट्स, डिफाइन डिफ्यूजन, व्हाट इज मीन्ड बाई, what is meant by osmosis, also define active transport, what is exocytosis, what is the difference between diffusion and osmosis। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपने सिर्फ यही कर लेने हैं, बाकियों पे टाइम ज़ाया ना करें। डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोट्स एंड यूकेरियोट सेल्स, डिफाइन कंपाउंड टिश्यू एंड एक्सप्लेन कंपाउंड टिश्यू फॉन्ड्स इन वैस्कुलर प्लांट्स। उसके बाद है डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एक्सप्लेन फ्लूइड मोसिक मॉडल, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फिलोम। उसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ रहे हैं, अगर समझ नहीं आ रहे, अगर आप लोगों को इंग्लिश बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही तो मैं आप लोगों को इसका उर्दू मीडियम में भी दे दूंगा गैस पेपर। तो अभी आप ना यूनिट नंबर 5 पे आ जाएं, तो सेल साइकिल का इसका नाम है, डिफरेंस बिटवीन क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम्स, डिफरेंस बिटवीन एस फेज एंड जी टू फेज, डिफाइन साइटोकाइनेसिस, व्हाट बेसिक डिफरेंस इन सेल डिवीजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, डिफाइन मियोसिस, विच बायोलॉजिस्ट डिस्कवर मियोसिस, किस बायोलॉजिस्ट ने इसको मियोसिस को डिस्कवर किया था, एक्सप्लेन एस फेज इन सेल साइकिल, डिफाइन अल्टरनेशन ऑफ जर्नेशन, अल्टरनेशन ऑफ जर्नेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मीन बाई जी वन फेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ साइटोकाइनेसिस अकर्स इन एनिमल सेल। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज फार्म फारगुमे प्लॉट्स। अच्छा, उसके बाद है हाउ इट्स फॉर्म्स, डिफाइन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डिस्क्राइब्ड जी जीरो फेस, व्हेन एंड हु डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, कब और किसने माइटोसिस को ईजाद किया था, व्हाट इज मीन्ड बाय मेटासाइटिसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन सोमेटिक एंड जर्म सेल्स, डिफाइन synapses, define meiosis, which biological discover meiosis, right difference between mitosis and meiosis, define crossing over, crossing over very 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 important short questions। इसके बाद आप long question भी आ जाएं। What is cell cycle, explain G1 phase, S phase and G0 phase, compare mitosis and meiosis, write down the significations of meiosis, what is the signification of mitosis। अच्छा, यूनिट नंबर 6 पे आ जाएं, ये इंजाइम्स का चैप्टर है। तो इसमें आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चन बता देते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर इंजाइम्स, व्हाट फैक्टर्स इफेक्ट द रेट ऑफ इंजाइम्स रिएक्शन, राइट नेम, राइट टू बेनिफिट्स ऑफ एक्टोसाइट्स।
हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबोलिज्म ऑल्सो डिफाइन मेटाबोलिज्म व्हाट इज मेटाबोलिक पथवेज व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द वर्किंग ऑफ एन एंजाइम गिव एन एग्जाम्पल हु पुट फॉरवर्ड द लॉक एंड की मॉडल किसने पेश किया था राइट डेफिनेशन इसकी तारीफ भी लिखें उसके बाद है व्हाट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर की तारीफ करें उसके बाद है व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है डिफाइन इंड्यूस्ड फिट मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हु सजेस्टेड दिस मॉडल किसने ये मॉडल जो है ना सजेस्ट किया था डिफाइन को फैक्टर एंड को एंजाइम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोस्थेटिक्स ग्रुप एंड को एंजाइम्स डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी लॉन्ग क्वेश्चन व्हाट आर एंजाइम्स डिस्क्राइब फाइव कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम्स इंजाइम्स क्या हैं इसकी पांच खसूसियात बयान करें डिस्क्राइब द लॉक एंड की मॉडल ऑफ इंजाइम्स ये इसका जो लॉक एंड की मॉडल है ये भी इंजाइम्स का आप बयान कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आ सकता है उसके बाद डिस्क्राइब टू मॉडल्स फॉर इंजाइम्स एक्शन मैकेनिज्म चैप्टर नंबर 7 भी आ जाए बायो एनर्जेटिक्स शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड राइट इट्स इक्वेशन डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन डिफाइन लाइट रिएक्शन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हाट आर एनारोबिक्स राइट टू एग्जांपल्स डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन राइट डाउन द थ्री सब यूनिट्स ऑफ एटीपी draw a simple equation for photosynthesis define glycolysis uske baad hai draw a simple equation for photosynthesis write down the three subunits of atp what is the photosynthesis write this equation photosynthesis kya hai iski equation bayan kare long question pe aa jaye to long question pe aapka jo hai na what do you mean by photosynthesis describe difference between photosynthesis and respiration describe the mechanism of respiration explain the summary of light reaction and draw डायग्राम ऑफ जेड स्कीम यूनिट नंबर 8 पे आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन न्यूट्रिशन रूल ऑफ मैकेनिज्म इन प्लांट्स डिफरेंस बिटवीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हाउ डज आयोडीन फंक्शन इन आवर बॉडी व्हाट इज काइम व्हाट आर लिपिड्स What is the night blindness described to function of HCl? What do you mean by vitamin? Write the name of its types. What is protein and from where we get it? Define Willy. What are water soluble vitamins? What is gastric juice? Gastric juice. Very, very, very important short questions for all Pakistan boards. What is the effect of HCl on pepsin? Write the rule of potassium and calcium is human body what is appendix write down the importance of long question pe aaja write down the importance of fertilizers very very important long question write a note on lipids very very important long question write a note on water and dietary fibers in diet very very important ab aapko lunga last chapter hai chapter number 9 इसके जो है ना ट्रांसपोर्ट इसका नाम है शॉर्ट क्वेश्चन के पहले आते हैं तो राइट फंक्शन ऑफ रूट्स हेयर इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स राइट डाउन फोर फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाउ इज प्लाज्मा सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड डिस्क्राइब टू फंक्शंस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर ह्यूमिडिटी ऑन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन व्हाट इज मीन्ड बाय सिंक डिफाइन प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म What is meant by transpiration? Described mode of transpiration. How does a human heart work as a double pump? Very, very important. Short question. Write the name of four agents which causes cardiovascular diseases. Very, very important. What is angina pectoris? Very, very important. Differentiate between bisuspid and tricuspid. Differentiate between cardiac diastole and ventricular systole very 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 important short question you see the pus in the infection of skin how it formed very very important agar aap apni skin pe jo hai na wo keh raha hai ki infection dekhte hain to kis tarah aap usko formate karte hain to isi tarah what is meant by vent write the effect on transpiration what do you know mean by pus kya hai पास के बारे में आप क्या जानते हैं हाउ इज इट फॉर्मेड हाउ डज डेंगी स्प्रेड डेंगी का जो भी आपका टॉपिक है आप इसको इम्पोर्टेंटली देख लीजिएगा इसमें तो आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे व्हाट इज़ ब्लड राइट द नेम ऑफ इट्स पार्ट्स राइट द सिम्पटम्स ऑफ डेंगी फीवर सिम्पटम्स ऑफ डेंगी फीवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके अगर लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाएँ तो आपको सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाई ब्लड ग्रुप
ब्लड ग्रुप वाला एक आपने कर लेना है। उसके बाद हाउ वुड यू रिलेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, ये आपने कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद डिफाइन ट्रांसपायरेशन एंड रिलेट इट सेल द सरफेस एंड विद द स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। हाउ अप टेक ऑफ वाटर आइंस टेक प्लेस इन प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। This gas paper play an important role in every student's life as the gas paper provides all the important questions that are more likely to appear in the final exam. It is complicated for a students to find a ninth grade biology speculator paper. Similarly, if you are dealing with this problem, then there is no need to worry about it. ये आपका गैस पेपर नहीं, ये आप लोगों के लिए एक तोहफा दिया गया। आप लोग इसको एक बार आप इस गैस पेपर के मुताबिक अपनी तैयारी करें। यह गैस पेपर ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को एक चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन जितने दिए गए हैं, आप लोग इनको कर लें तो आप लोग पेपर ऐसे दे आएंगे कि जैसे आप लोगों ने सारा का सारा साल आपने मेहनत की, आप A+ ग्रेड नंबर लेंगे। मेरा वादा है आप लोगों से, आप एक बार इस गैस पेपर को देख लो, आप पेपर दे आओ, आप लोग A+ ग्रेड जो नंबर हैं आप वो हासिल करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मिलते हैं आपके MCQs के पेपर में। तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।